जय हिंद बच्चों, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग चार लेक्चर खत्म कर लिए थे और आज हमारा पांचवा लेक्चर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ए डिवाइड बी, इसके लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। एक बार डिविजन कर लेते हैं। ए डिवाइड बी, देखिए ए एक घटाव लिखा हुआ, इसके ऊपर बूंदा, एक नीचे बूंदा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए। और ये देखिए जो घटाव लिखा हुआ है, देखिए घटाव के ऊपर बूंदा उस पर ए लिखा गया और घटाव के नीचे जो बूंदा है वहाँ पर एक बी, ये वाला बी लिखा गया, तो ए बट्टा बी हो गया। ठीक, इसे ए बट्टा बी पढ़ा जाता है। और बट्टा के ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, ठीक, अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहा जाता है। तो यानी बट्टा के जो ऊपर हुआ ए, इसे अंश कहा जाएगा। ठीक, रहेगा 5/7, तो 5 जो हुआ अंश हुआ। ठीक, अगला जो पॉइंट है कि बट्टा के नीचे वाला को हर कहा जाता है, हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। जैसे 5/7 है तो बट्टा के नीचे क्या हुआ, 7, तो ये जो 7 हुआ ये हर होगा। ठीक, अब देखिए एक पॉइंट है ए बट्टा बी, ए को क्या कहेंगे अंश और बी को हर, वही जो मैंने अभी बताया। अब देखिए कोई भी संख्या है, ठीक, कोई भी अंक या संख्या मान लीजिए बट्टा 0, तो वह अपरिभाषित होगा। यानी देखिए, जैसे कहने का मतलब हमने लिखा कि 3/0, इसका हल क्या होगा, तो इसका हल होगा अपरिभाषित, यानी कोई परिभाषित नहीं है। ठीक, अब देखिए हमारा अगला जो पॉइंट है कि हमेशा अंश में हर से भाग दिया जाता है। ठीक, अंश में हर से भाग दिया जाता है। देखिए जैसे 4 है, नीचे 2 है, ठीक, तो 4 में 2 से भाग दिया जाएगा। ठीक, 2 से तो इधर रहेगा, 4 में तो इधर। ठीक, अब भाग होगा। ठीक, एक और पॉइंट था, ऊपर 0 रहेगा बट्टा नीचे कोई अंक या संख्या रहेगा तो 0 होगा। कैसे होगा, ये तीनों हम समझेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बोर्ड को साफ करेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे सामने है 0/r, इसका मतलब 0, ये आपको याद रखना है, ट्रिक है। ठीक, जैसे देखिए 0/5 है, इसका मतलब क्या होगा, हमेशा नीचे वाला से भाग दिया जाता है ऊपर वाला में। ठीक, अब देखिए 5 से भाग लगेगा 0 में। ठीक, अब कैसे भाग करना है इसका आप उदाहरण समझिए, हमने इसको 3-4 जगह लिख लिया। ठीक, अब देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ 5 का 1 बार में लगाएंगे तो 5 होगा, फिर 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे कैसे बढ़ेगा, अगर हम यहाँ पर 2 से लगाते हैं या 3 से लगाते हैं तो 5 + 3 = 15 हो जाएगा, यानी -15, सब माइनस में जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब कैसे होगा, तो हम देखिए हम जानते हैं कि अगर 5 में 0 से गुना कर, देखिए 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 5 में यहाँ 0 लगाएंगे तो 5 × 0 = 0, अब देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो गया, या फिर इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर 0 लगेगा, यानी ये और ये दोनों आपस में गुना होता है किनारे किनारे। देखिए जैसे 3 है, 12 है, 12 में 3 से भाग देना है, ठीक, ना कि 3 में 12 से, 12 में 3 से, तो यहाँ 4 बार में लगाते हैं और 12 हो जाता है। ठीक, अब देखिए कैसे 3×4, किनारे किनारे वाला आपस में गुना हुआ और बीच वाला आ गया, 3×4 तो 12, उसी तरह 5×0 = 0, 5×0 = 0 आया। तो कहने का मतलब यही है, जब ऊपर 0 रहे और बट्टा हर में कुछ भी रहे, कहने का मतलब तो आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अंश बट्टा 0 बराबर अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब समझ लीजिए, अ मतलब ना हो और बाकी बचा परिभाषित, यानी जो परिभाषित ही ना हो।
अपरिभाषित। जैसे आपने असंभव शब्द सुना होगा या पढ़ा होगा, असंभव मतलब जो संभव ही ना हो, असंभव। उसी तरह से अपरिभाषित, अ मतलब न। देखिए 6/0 है जैसे उदाहरण है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा जीरो यानी जो बट्टा के नीचे है उससे भाग दिया जाएगा हर से, तो बट्टा के नीचे जीरो है तो जीरो से भाग दिया जाएगा 6 में। अब देखिए 6 ऐसे करके जीरो लिखे, अब यहाँ पर हम 1 से लगाएंगे तो 0 में 1 से लगाएंगे तो 0 का 1 बार पहाड़ पड़ेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, किनारे किनारे गुना होता है, तो 0 में जब 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 6 में से 0 घटाएंगे फिर 6 आ गया, फिर तो क्वेश्चन वही वाला रह गया। अगला बार हम 5 से लगाएंगे, फिर भी हम 0 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा और यहाँ 6 शेष बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर 100 से भी गुना करते हैं लगाते हैं तो फिर भी यहाँ 0 ही रह जाएगा और 6 शेष ही बचेगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 0 था, लास्ट में जो शेष बच रहा है 6 आ रहा है, ठीक, लास्ट में इसमें भी और इसमें भी 6 बच जा रहा है जो कि ये वाला था, ठीक। कहने का मतलब सिर्फ किनारे वाला बदला है, इस किनारे वाला देखिए 1 है 5 है यहाँ 100 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। यहाँ पर जब 0 है तो 0 में हम कहने का मतलब कोई भी संख्या से जब लगा रहे हैं और शेष वही बच जा रहा है तो हमारे भागफल जो भाग दी है वो पूरा नहीं ना कटा, पूरा कटेगा तब ना आंसर हमारा आएगा। देखिए आपको याद होगा हमने पिछला लेक्चर में बताया था 0 गुना कोई भी संख्या बराबर 0 होता है, यानी किसी भी संख्या में शून्य से गुना करने पर उत्तर जो है शून्य आता है। तो हम जानते हैं यहाँ तो 0 है, अब यहाँ कुछ भी लगाएंगे तो ये और ये दोनों किनारे वाले आपस में गुना होता है, और 0 में एक तरफ 0 है उस तरफ कोई भी संख्या गुना होगा तो हमेशा 0 ही आएगा, और 0 फिर घटेगा तो वही आ जाएगा आंसर, यानी ये भाग कभी पूरा होगा ही नहीं, और इसलिए इसे अपरिभाषित कहा गया, ठीक, यानी 6/0 का आंसर अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए ये जो सिंबल है इसे अपरिभाषित आप समझ सकते हैं, लेकिन आगे जब आप पढ़िएगा तो अपरिभाषित और ये वाला सिंबल दोनों अलग अलग है, ठीक। फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि इसको अपरिभाषित आप कह सकते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, मैंने जितने भी पॉइंट बताया क्या सभी पॉइंट आपको पहले से मालूम था, अगर आपने कुछ भी नया पॉइंट सीखा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जो भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा वो पॉजिटिव पॉइंट या फिर जो भी आपको खराब लगा वो नेगेटिव पॉइंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके विचारों और परामर्शों से हम कुछ निष्कर्ष निकालकर अगली वीडियो में सुधार ला सके। धन्यवाद।